अस्सलाम वालेकुम, के ट्रेड वीकली रिकैप के साथ मैं हूं अशाम। इस हफ्ते की मार्केट को डिस्कस कर लें तो मार्केट ने तकरीबन 3000 पॉइंट्स पॉजिटिवली गेन किए। मार्केट में स्लाइट करेक्शन लेवल्स भी हमें देखने को मिले, लेकिन जैसे मैं आगे न्यूज़ डिस्कस करूंगा, उसकी वजह से मार्केट अच्छी खासी एक पॉजिटिव ट्रेंड में ही रही है। मार्केट ने 53,000 लेवल को क्रॉस किया और अपने करंट इंडेक्स 53,127 लेवल को टेस्ट करके थोड़ी सी करेक्शन शो की और स्लाइटली अभी लोअर क्लोज हुई। इस हफ्ते की हम नोटेबल न्यूज़ देखें तो IMF की टीम ने जो 2 नवंबर को विजिट करना था वो पाकिस्तान में ही है और मोस्ट लाइकली ये लग रहा है कि $710 मिलियन जो पाकिस्तान के लिए प्रॉमिस थे वो हमें मिल जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान अपने टारगेट्स भी अचीव कर चुका है और करेंटली एक सरप्लस में खड़ा हुआ है। उसके अलावा हमने देखा कि रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट डिस्कस किया गया जो स्टेबल रखा गया है 22% पे। दिस इज़ पॉजिटिव फॉर द साइक्लिकल सेक्टर इन जनरल, जिसमें आपके सीमेंट्स एंड स्टील्स आ जाते हैं और उसके अंदर हमने काफ़ी एक वॉल्यूम में बूस्ट देखा। इन्फ्लेशन के हवाले से बात की जाए तो CPI के नंबर्स आए, जिसमें हमने देखा कि इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिड्यूस हुई है एंड करेंटली स्टैंड्स एट 26.89%। फाइनली हमने देखा कि एक इलेक्शन की डेट हमें मिल चुकी है, विच इज़ 8th of February, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन, गिवन दैट के काफ़ी इन्वेस्टर्स इसकी वजह से हेजिटेंट थे, एक बैकफुट पे रह रहे थे, लेकिन अब हमें देखने को ये मिल रहा है कि कॉन्फिडेंटली स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। लास्टली अपकमिंग जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी है दिसंबर में जिसके ऊपर बात होनी है, उसमें यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट फर्दर कट किया जाएगा, विच इज़ वेरी गुड फॉर द मार्केट इन जनरल। नेक्स्ट वीक का अगर हम आउटलुक डिस्कस करें तो नेक्स्ट वीक मार्केट मेनली पॉजिटिव सेंटिमेंट ही रखती है। स्टिल एक करेक्शन लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अपने हिस्टोरिकल हाई पे जा चुकी है और यहाँ पे जिन्होंने लोअर लेवल्स पे पोजीशंस ली हुई थी वो थोड़ी सी पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, बट इंटायरली अगर देखा जाए, जनरली देखा जाए, तो मार्केट हमें एक पॉजिटिव सेंटिमेंट ही दिखाएगी। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। थैंक यू।